कहते हैं बाप बेटी का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। बेटी को एक बाप से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है। लेकिन वो बेटी जब पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेती है तो इससे बुरा पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसा ही मामला सामने आया है मंदसौर से, जहाँ एक बेटी ने दूसरे धर्म के युवक से शादी कर ली। परिवार के बार बार मनाने पर भी जब वो नहीं मानी तो पिता ने बेटी के सर पर कफन बांधकर उसे मरी हुई मान लिया। दिल को आहत करने वाला ये मामला मंदसौर का है, जहां कयामपुर गांव में रहने वाली आस्था सोनी की दोस्ती मुस्लिम युवक साहिल के साथ हुई और एक साल पहले आस्था ने घर से भागकर साहिल के साथ निकाह कर लिया और शादी के बाद वो आस्था से अनन्या बन गई। वहीं दूसरी ओर आस्था के पिता गोविंद सोनी ने बेटी के गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज करवाई। एक साल बाद आस्था उर्फ अनन्या अपने शौहर के साथ थाने पहुंची और उसने अपने बयान दर्ज करवाए कि उसने अपनी मर्जी से साहिल के साथ निकाह किया है। वहीं अनन्या के पिता गोविंद भी परिवार के साथ थाने पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी को खूब समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो गोविंद ने थाने में ही बेटी को कफन उड़ाकर माला पहनाई और कहा कि आज के बाद बेटी हमारे लिए मर चुकी है। इसके बाद बेटी अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ चली गई। ये लड़की एक मुसलमान के साथ भग गई है, इसने हिंदू समाज को बदनाम किया है, इसके लिए आज ये हमारे और हिंदू समाज के और परिवार के लिए मर गई है। इसके कफन का औलाद ने टुकड़ा कर रहा इसको और ये आज से हमारे लिए खत्म खत्म। वहीं आस्था के पिता गोविंद सोनी ने कहा कि मेरी बच्ची जो कॉलेज पढ़ने जाती थी, डेढ़ साल पहले कॉलेज जाते हुए बस स्टैंड से उसका अपहरण हुआ या किसी के साथ भागी, कुछ पता नहीं चला। लड़की डेढ़ साल बाद अपना वकील लेकर नारगढ़ थाने पर प्रस्तुत हुई और उसने अपने कागज पेश किए जो मुझे मान्य नहीं है और ना ही समाज और धर्म को मान्य है, और मैंने अपनी बेटी को वहीं से मृत मानते हुए धर्म का कफन पहनाकर उसको अंतिम विदाई दी। मेरी बच्ची जो कॉलेज पढ़ने जाती थी जो साल भर पहले साल पहले कॉलेज से जाते हुए बस स्टैंड पे अपहरण हुआ या कोई किसी के साथ भागी है, कुछ जानकारी में पता नहीं लगा। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी अच्छी मेहनत करी, बाकी शर्त है कि वो डेढ़ साल बाद अपना वकील लेके नारगढ़ थाने में प्रस्तुत हुई और मुस्लिम युवक से मैं लव करती हूँ ऐसा उसने अपने कागज पेश किए जो मेरे को मान्य नहीं है, ना समाज को मान्य है, ना धर्म को मान्य में, तो मैंने अपने बच्चे को वहीं से मृत घोषित मानते हुए अपना धर्म का कफन उड़ाकर अपना अंतिम संस्कार को अंतिम विदाई दी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।